इंस्टाग्राम पर अगर आप नया यूज़र नेम चूज़ कर रहे हैं या इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आप चेंज कर रहे हैं और आपके सामने इस तरीके का एरर आता है, यूज़र नेम्स कैन ओनली यूज़ लेटर्स नंबर्स अंडरस्कोर्स एंड पीरियड, तो इस एरर का क्या मतलब है और इंस्टाग्राम पर जब आप यूज़र नेम यहाँ पर बात कर रहे हैं चूज़ कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपके ये एरर या और भी आपके सामने बहुत सारे एरर आ सकते हैं वो ना आए, तो उन सब एरर्स की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप इंस्टाग्राम पर एकदम सही यूज़र नेम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है इंस्टाग्राम के यूज़र नेम के बारे में। तो यहाँ जो लिखा है पहले तो वो समझना होगा कि क्या लिखा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर बात करें बीच में जो ऐड था उसको हटाया तो यहाँ से ऐसा एरर नहीं आ रहा है, देख सकते हैं। तो होता क्या है कि इंस्टाग्राम पर जो वहाँ पर लिखा था उसके अकॉर्डिंग आप सिर्फ यूज़ कर सकते हैं लेटर्स नंबर्स अंडरस्कोर्स एंड पीरियड्स, यानी कि अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं आप अपने यूज़र नेम में, नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा ये अंडरस्कोर जो है ये आप देख सकते हैं इसका यूज़ कर सकते हैं और डॉट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डॉट का यूज़ कर सकते हैं यानी कि जिसका मतलब पीरियड, तो वही मतलब है, यानी इन चार के अलावा आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो फिर आपके यूज़र नेम सही नहीं होगा, वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा यूज़र नेम। इसके अलावा डॉट आपके लास्ट में नहीं होना चाहिए, उसके बाद नंबर या अल्फ़ाबेट जो है उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, यानी कि एकदम एंड पर डॉट नहीं हो सकता है। और इस इन चारों के अलावा कोई भी अगर आप यहां से सेलेक्ट करते हैं कोई भी स्पेशल जो भी है लेटर या कोई, तो वो आपके सेलेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा एरर इस तरीके का आ सकता है, यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल, यानी कि ये यूज़र नेम इंस्टाग्राम पर पहले से ही अवेलेबल है, इसका यूज़र इंस्टाग्राम पर पहले से ही है, ठीक है, इंस्टाग्राम पर एक यूज़र नेम वाला एक ही आदमी हो सकता है, इसलिए एक यूज़र नेम से दो अकाउंट नहीं हो सकते, इसलिए आपके ऐसा लिखा आएगा, इसलिए आपको यहाँ से यूनिक जो है यूज़र नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है इंस्टाग्राम यूज़र नेम नहीं ले सकते, जैसे आपने इंस्टाग्राम लिखा तो यहाँ तो लिखा आ जाएगा कि ये नहीं लिया जा सकता, लेकिन इंस्टाग्राम आपके यूज़र नेम में होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, इंस्टाग्राम यूज़र नेम नहीं ले सकते, लेकिन इंस्टाग्राम के बाद में आपने चाहे बहुत सारे नंबर्स लिख दिए या अल्फ़ाबेट्स लिख दिए तो भी आपका यूज़र नेम वैलिड नहीं होगा, या बहुत सारे आपने नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स लिखे उसके बाद इंस्टाग्राम लिखा तो भी आपका वैलिड नहीं होगा, यानी इंस्टाग्राम नहीं आना चाहिए आपके यूज़र नेम में। और आपका यूज़र नेम 30 यहाँ पर बात करें जो है की लिमिट है, यानी कि आपका यूज़र नेम नहीं हो सकता है 30 कैरेक्टर से लंबा लेंथ में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी सारे जो है एरर्स है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है आ सकती है आपके यूज़र नेम को जब आप जो है ऐसे बात करें चूज़ कर सेलेक्ट करते हैं, जो यूज़र नेम लिया जा चुका है इंस्टाग्राम पर पहले वो आप नहीं ले सकते हैं। और आप अगर बहुत बार यूज़र नेम को यहाँ पर बात करें सेलेक्ट करते हैं चेंज करते हैं तो इस तरीके का भी एरर आ सकता है कि आप नेक्स्ट टाइम यूज़र नेम चेंज करने के लिए थोड़ा वेट कीजिए, तो उसमें आपको थोड़ा वेट करना है,